ये रहा वो बोट दादाजी की तरफ जाने वाला। ये जो ब्रिज है ना, ये बड़ा ख़राब ब्रिज है। 5-6 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग हो जाएगी। पक्के से ज़्यादा चलाने का मज़ा तो ये कच्चे पे आ रहा है। ये है राजघाट, यहाँ पे खुदाई चालू है के बस स्टैंड पर। रस्सी छोटी पड़ गई, अगली बार बड़ी रस्सी लेके आएंगे। ये बंद है पे भाई, यहाँ से भी पैक है। अरे यार, यहाँ पर भी देखिए पुरानी दीवार। घोड़े को लेके जा रहे हैं भैया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नेपाल यात्री में। आज हम हमारी यामाहा FZX को चलाने वाले हैं 100 किलोमीटर और देखेंगे इसका थोड़ा सा ऑफ रोडिंग, साथ में इसका कंफर्टिंग और गाड़ी का फुल लेने वाले हैं मज़ा। और स्पीड अभी फ़िलहाल में 50 पे ही चलने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि पहली सर्विसिंग तक के हमें चलाना है 50। तो चलिए चलते हैं 100 किलोमीटर की आज की राइड पर। तो चलिए आते हैं हम 100 किलोमीटर की राइड करके। यह है हमारा मार्केट एरिया और आज है संडे। थोड़ी सी भीड़ होगी, थोड़ी की अच्छी खासी भीड़ होगी। यहाँ पर देखिए फल फ्रूट की दुकान है, यहाँ पर अंदर है ना पूरी सब्जी भाजी की दुकान लगती है। और पार्किंग से आपको समझ में आ जाएगा कि भीड़ काफ़ी रहती है। 4 बजे तक के पहुंचना है हमको पॉइंट पर। और ये है हमारे इधर का ब्रिज जो नया नया बना है, इसके कारण हम मार्केट वालों को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मार्केट का जो एरिया है ना वो ख़त्म हो चुका है। एक साइड का रेलवे गेट बंद कर दिया इसलिए। ये है नेपा मिल और ये हमारे एरिया की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और इसमें बनता है कागज। और ये छोटी छोटी कैंटीन्स वगैरह नेपा मिल के पास की। अभी हम पहुंच गए बुधवारा मार्केट और सामने है शिवाजी महाराज की प्रतिमा। और बुधवारा मार्केट एकदम खाली है। यहाँ की जो रौनक है ना वो शाम में होती है, दिन में ये बिल्कुल खाली होता है। फैक्ट्री है, गिट्टी निकालने का काम चल रहा है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। गए हैं अम्बाड़ा गांव और ये भी छोटा सा गांव है मगर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर है ना धुनी वाले दादाजी का एक मंदिर है जो कि बहुत खूबसूरत है। किसी दिन मैं आपको लेके चलता हूँ उस मंदिर पर भी। ये रहा वो बोट दादाजी की तरफ जाने वाला। यहाँ पर भी एक दरगाह है अंदर जो भोरा समाज की दरगाह है, इसी दिन मैं आपको वहाँ पर लेके जा रूँगा। ये जाने का रास्ता है। और अंकल का बैलेंस देखिए भाई, इतना बड़ा बैग। ये जो ब्रिज है ना ये बड़ा ख़राब ब्रिज है, इसमें इतने सारे गड्ढे हैं ना दिमाग की 12 बजा देते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत ही आराम से चलाना पड़ता है। एक गड्ढे से बचेंगे तो भाई साहब, यह देखा गड्ढा, पता नहीं जानबूझ के रखा है कि भर नहीं रहे हैं, ये आज तक के मुझे समझ में नहीं आया। मगर ब्रिज को ऐसा कैसा देख रहा हूँ। 5-6 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग हो जाएगी। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं जैनाबाद। जो पिछली वीडियो में रिटर्न वाला पुल देखा था ना, उसी पुल के तरफ से जाने वाले हैं। और रोड से अच्छा तो ये कच्चा रास्ता है जिस पे अभी अपन गाड़ी चला रहे हैं। रोड पे चलाना तो महंगा पड़ जाएगा क्योंकि रोड पे कुछ ज़्यादा ही गड्ढे हैं और कच्चे रास्ते पे तो एक नंबर गाड़ी चल रही है। और ये यहाँ की स्कूल है। गाड़ी की जो ग्रिपिंग है ना बहुत गजब वाली है, बहुत बहुत गजब वाली है। पक्के से ज़्यादा चलाने का मज़ा तो ये कच्चे पे आ रहा है।
मेरे को तो पक्के पे जरा सा मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सारे गड्ढे हैं और कच्चे पे एकदम स्मूथ गाड़ी चल रही है। गेहूँ कितना प्यारा लग रहा है, और सामने राई लगी हुई है, पीले पीले जो फूल दिख रहे ना वो है सरसों। गेहूँ इधर का सुनहरा हो गया, मतलब कटने के लिए तैयार। इधर आधा गेहूँ सुनहरा हो चुका है, और ये लगी है केली। यहाँ पर लगा है गन्ना, यहाँ पर भी गन्ना लगा हुआ है। और ये टर्न देखिए कितना प्यारा है, और इस पे ये गाड़ी जो चल रही है ना, ओ भाई साहब, बहुत ही प्यारी ग्रिपिंग के साथ। और कच्चा पक्का काफ़ी चला लिया अपन ने इस गाड़ी को, जिससे कि अपने को समझ में आ गया कि गाड़ी की जो पोजीशन है, सीटिंग है, और जो भी मतलब इसमें कंफर्ट होता है बहुत बढ़िया है। ये जो प्राइस रेंज है ना, ये बहुत सही है, और उसमें ये गाड़ी भाई चार चांद लगा रही है। बेल देखिए कितने मस्त है, एकदम तगड़े है। जैनाबाद और ये जो जानवर है, बगीचे साफ करने वाला जानवर है, बहुत खतरनाक आता है। ये है राजघाट, ये देखिए सामने से यहाँ की प्राचीन दीवारें आज भी बुलंद खड़ी है। और ये रहा राजघाट गेट, बुरहानपुर में एंट्री देते हुए। के हैं बुरहानपुर में, बुरहानपुर और नेपाल तो हमारे लिए ऐसा हो गया है 100-150 किलोमीटर के राइड में तो बहुत ही आसान, कुछ लगता ही नहीं है। 100 किलोमीटर चला ली, 150 किलोमीटर चला ली, ऐसे बोलते हैं कि भाई 100 किलोमीटर चल गए आज। और आज यहाँ पे गर्दी इसलिए कम है क्योंकि आज है संडे, और संडे के दिन रहता है बुरहानपुर बंद, इसलिए अपन इतने आसानी से निकल भी रहे हैं। कल अपन ने देखा ही था कि बुरहानपुर में जगह जगह पे खुदाई चल रही है, यहाँ पे खुदाई चालू है। ये गजब तमाशे लोग हैं, हाईवे पे लगने के बाद तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से चल जाओ, मगर छोटी छोटी गलियों से निकलने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। के बस स्टैंड पर और यहाँ से उठाना है अपना पार्सल, फिर चलते हैं अपन अपने नगर, इसे लेते हैं और चलते हैं वापस। ओ अच्छी खासी भारी है, ओह यहाँ पर लगाते आज, सीट में चलेगी भैया पीछे डाक आराम से। आज हमने हमारी गाड़ी को बना दिया लोडिंग गाड़ी, रस्सी छोटी पड़ गई, अगली बार बड़ी रस्सी लेके आएंगे, और इस पर बहुत अच्छे से रखा गई है। चलो कोई इशू नहीं, आराम आराम से चलते हैं, गिरने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, चलते हैं अपने घर की तरफ। ये छोटी सी गली है मगर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इधर, वो अभी क्या मेन रास्ता बंद हो गया ना, तो उस कारण से पूरे लोग यहीं से जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, अपन भी इधर से ही चलते हैं लोगों के पीछे, कि लोग कहाँ से किधर निकलेंगे पता चल जाएगा। और अपने को तो आराम आराम से चलना है, क्योंकि रस्सी छोटी लेके आ गए अपन पार्सल बांधने के लिए। यहाँ पर भी देखिए गेट है बुरहानपुर का, इस रास्ते पर पहली बार आया था मैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, निकल गए इस पार। हाईवे पे आ गए तो फिर टेंशन नहीं रहेगा, रस्सी का भी देखते हैं, अगर कोई दुकान वुकान दिख गई तो रस्सी ख़रीद लेंगे, अगर उधर से जाते तो रस्सी ले लेते हैं। यहाँ पे देखो पूरा खुदा हुआ पड़ा है, इस कारण से बंद है, बीच में काम चालू है और लोगों के बीच में से अपन निकल रहे हैं, बताओ कितनी बुरी बात है। यहाँ पे बीच रोड खोद दिए ना, इस कारण से रास्ता बंद करके रखा है।
ये बंद है पे भाई, कहीं से भी जा रहे हैं, जो रास्ता दिख रहा है वहां से निकल रहे हैं। अब देखते क्या है। यहाँ से भी पैक है क्या? यहाँ से भी पैक है? अरे यार, आज पूरा ब्रह्मपुर में चारों तरफ से पैक ही पैक है। चले तो चले कहाँ से, ऐसा काम हो गया। हर जगह से मोड़ मोड़ के चलाना पड़ रहा है, मतलब आज ब्रह्मपुर आके फंस गए ऐसा लग रहा है। गली कूचे में से निकल निकल के जाना पड़ रहा है। कहाँ पर क्या है कुछ नहीं पता, बस निकल रहे हैं कि भाई मेन रास्ते पे पहुँच जाए। वह तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुर में ऐसा है कि आपको दिशाएं मालूम होना चाहिए तो आप सब जगह पहुंच जाते हो, बस दिशाओं के भरोसे चले जाओ। ये आ गए हम किसी सड़क पर, और पता नहीं कौन सी सड़क है, बस आ गए। बोला ना मैंने आपको ब्रह्मपुर में बस आपको दिशाएं याद रहना चाहिए, बाकी तो कुछ रहे ना रहे मगर दिशाएं बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से याद रहना चाहिए। अगर आपको दिशाएं याद है तब पूरे ब्रह्मपुर में घूम लेंगे आसानी से और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी हम वापस राजघाट के एरिया में आ गए हैं, तब टेंशन नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए कितनी पुरानी पुरानी है ना बिल्डिंग्स, घर बने। ये देखिए कितना पुराना घर है, पूरा लकड़ी से बना हुआ है। ये भी देखिए कितनी प्यारी जगह है, ये मंदिर। और अधिकतर ना यहाँ पे आज भी ना घर बहुत पुराने लकड़ी से बने हुए हैं। ये देखिए कितना पुराना लकड़ी से बना हुआ घर, ये भी लकड़ी से बना हुआ घर। हालांकि कई घर नए भी बन चुके हैं, कई घर इस तरीके से लकड़ी से भी बने हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए पुरानी दीवार, घोड़े को लेके जा रहे हैं भैया। ब्रह्मपुर का काम निपटा के चले अब अपने घर। ये अंकल और कोने से ले लेते ना अंकल। देखिए कितने प्यारे प्यारे खेत है, दूर दूर तक के आपको खेत ही खेत नजर आएंगे। अभी गन्ना निकला हुआ है और सामने देखिए कितने अच्छे से ना छोटे छोटे घर बना के रखे लोगों ने। ठीक है, जो ये गन्ना काटने वाले लोग आते हैं ना वो इस तरीके से घर बनाते हैं और रात भर इसी तरीके से खेत में रहते हैं। यहाँ से एक हाईवे निकल रहा है खेतों के बीच में से, ये पूरा काम चालू है। डायरेक्ट जो बुरहानपुर है ना उसका बाईपास है और ये काम चालू है। अभी शायद से सामने जो फसल लगी है ना उसे निकलने का वेट कर रहे होंगे, और इधर साइड तो पूरा काम हो चुका है। यहाँ पे लगा है मक्का, भुट्टे आ चुके हैं, अभी छोटे हैं थोड़े से, मतलब अभी टाइम है इनको निकलने के लिए। पूरा मक्के का ही खेत है, दूर दूर तक के मक्का ही मक्का लगा है इसमें। ओ भाई साहब, अब यहाँ से तो गया ही गया है। बहुत सारी गया। बहुत सारी गैया थी, बैलगाड़ियाँ।
आंटियाँ चला रही है बैलगाड़ी, देखा आपने? गांव से निकलो ना तो ऐसी चीज़ें देखने मिलती है ना, दिल खुश हो जाता है। अभी जो हमने बड़ी गाय देखी थी ना, उनके सारे बछड़े यहाँ से निकल रहे हैं, छोटे छोटे। कितने प्यारे लग रहे थे ना छोटे छोटे बछड़े, वो जो छोटी छोटी गैया आती है ना उनके जैसे। यहाँ पे देखिए कुछ तो भी हो रहा है या फिर छुट्टी हो गई है वर्करों की। सामने जो गाड़ी है ना उसमें जा रही है बारात, और एकदम थोड़ी आगे से निकल रहा है ना धुआं, वही कहीं आग लगी है ऐसा लग रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट सामने ना बहुत भयंकर वाला धुआं निकल रहा है। देखते हैं, वो देखिए सामने दिखा आपको धुआं, वहाँ पर शायद से आग लगी हुई है। ये मोड़ बड़ा प्यारा है, इस मोड़ का तो क्या ही कहना, धुम्मा चले। सामने देखिए क्या प्यारा नज़ारा दिख रहा है, बट इस नज़ारे को देखने के चक्कर में इस छोटे से रोड पे हो जाती है कई सारे लोगों को सज़ा, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ इन्होंने ये रोड पूरा बनाया ही नहीं। गाड़ी में जो साउंड आता है ना भाई साहब, क्या ही कहना उस साउंड का, बहुत बढ़िया साउंड आता है, ऐसा बेस वाला साउंड आता है ना बुलेट जैसा आता है, एक अलग ही साउंड बनाया है यामा वालों ने, जो सुंदर भी लगता है और मतलब प्यारा एक साउंड सुनने में, बोलते ना अच्छा लगता है साउंड, इससे ना कोई इरिटेट नहीं होगा, अच्छा लगता है साउंड, ना ज़्यादा जोर के ना ज़्यादा कम, एकदम नॉर्मल बट बहुत ही सुंदर साउंड। ये है हमारे इधर का फुटल बल्ली, मतलब फुटी तेकड़ी भी बोल सकते हैं, फुटल बल्ली भी बोल सकते हैं, इसके कई सारे नाम हैं, बट हम लोग फूटी तेकड़ी नाम से जानते हैं और फूटी तेकड़ी नाम से बुलाते हैं। और इस पे भी गाड़ी बड़े ही आसानी से चल जाती है, बहुत स्मूथ, उसको तो लगता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ है। पहुँच गए भाई अपने घर के पास, गए भाई घर पे। इस तरीके से कुरियर ला सकते हैं। फाइनली 100 किलोमीटर के राइड कंप्लीट करके आ गए हम लोग घर, और अभी बाल हो गए खराब क्योंकि हेलमेट निकाला है, और काफ़ी अच्छे तरीके से कुरियर आ गया हमारा इस बाइक पर। और बाइक को 100-150 किलोमीटर चलाने में भैया कुछ नहीं लगता, ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि अपन ने गाड़ी इतनी लंबी चला के आ गए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके के कंटेंट हमारे चैनल पर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।